नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ भूवी किंगर। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो आ रही है भोपाल से। सिंधिया के काफिले के घेराव का मामला है। पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ दर्ज किया है मामला और आपको बता दें कि वीडियो फुटेज के आधार पर होगी कार्रवाई। ये जानकारी सामने आई है। श्यामला हिल्स थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और फुटेज के आधार पर पुलिस ने ये कहा कि गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि यही एक रास्ता है पहचानने का आरोपियों को। अहम खबर भोपाल से। दरअसल सिंधिया के काफिले का घेराव किया गया और पुलिस ने इस मामले में 35 लोगों के खिलाफ पूरा मामला दर्ज किया और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई करेगी। दरअसल श्यामला हिल्स थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने। दर्ज इसलिए किया कि अज्ञात थे, हम लोगों ने पहचान कर लिया। बाकी जैसे वीडियो जैसा आपको बता रहे हैं आई है, उसमें अगर फाइंड आउट होता है तो उसके उनके नाम से मुकदमा कायम करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, वीडियो दिखाएंगे। जो वीडियो चल रही है अभी उनमें जो बंदे हैं, जितने भी ज्यादा फाइंड आउट होंगे उनको नामजद से एफआईआर करेंगे। तो अहम खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले का घेराव किया गया। दरअसल अभी वो बीजेपी में शामिल हुए हैं 18 साल कांग्रेस में रहने के बाद, और उसके बाद जगह जगह पर उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है।